हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर हॉल वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम करने वाले हैं H&M, अमेजोन जीन्स टॉप एंड एक दो स्कर्ट भी है। एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा विंटर कलेक्शंस को मैंने ध्यान में रख के खरीदा है क्योंकि विंटर सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना अच्छा लगता है। सो मैं उसी अकॉर्डिंगली प्लान करूँगी। आज के वीडियो का सबसे पहला जो आइटम है, फर्स्ट आइटम ऑफ दिस हॉल, ये मैं बहुत टाइम से देख रही थी और ये स्कर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। और लास्ट ईयर भी मैंने इसको शायद मंगाया था, ये नहीं मंगाया था, दूसरा मंगाया था। सो ये मैंने अमेजोन से लिया है और आई गेस ये 299 मुझे रिसीव हुआ है। अच्छा है, क्यूट सा है और विंटर में इसको स्टाइल कर सकते हैं स्टॉकिंग्स के साथ में, मैंने वो भी ऑर्डर करा हुआ है। क्वालिटी एक्स्ट्रा आइटम ऑफ दिस हॉल, बॉडी सूट, ये भी मैंने अमेजोन से लिया हुआ है बॉडी सूट। प्राइस वाइज ठीक है, मेरे पास एक मैंने मंगाया था ज़ारा से तो उसकी क्वालिटी तो ज़ारा वाली क्वालिटी है। वो मुझे पड़ा था आई थिंक 3000 ईयर्स और ये मुझे पड़ा है आई थिंक 499 या 599 में, प्राइस मेंशन कर दूंगी। और मैंने इसमें दो मंगाया हुआ, एक जो मैंने पहन रखा है ब्राउन कलर में और ये ब्लैक, तो अभी तो विंटर्स में बहुत काम आने वाले हैं, वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको दो बार स्टाइल करा था, एक बार स्कर्ट पे पहना था और आज तो मैंने जो वीडियो में पहना है वो दूसरी स्कर्ट पे पहना हुआ। सो नेक्स्ट वी हैव ये क्यूट सा प्यारा सा टॉप जो ब्लैक एंड वाइट में है और मैंने इसको लिया था H&M से। यस, मैंने इसको H&M से ख़रीदा था और ये साइज़ में स्मॉल है बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत लूज़ बहुत टाइट भी नहीं हो रहा। और मैंने इसको ये स्टोर से ख़रीदा है, अभी हमारे सिटी में ना H&M का स्टोर भी खुला हुआ है सो मैंने यहीं से लिया था। और ये मैंने लिया था 799 में। हाँ, और ये बहुत अच्छा कपड़ा है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट सा बॉडी हगिंग कपड़ा है, बहुत अच्छा टी शर्ट है ये, आप इसको विंटर समर कैसे भी स्टाइल कर सकते हो। तो अगेन ये H&M का ही टॉप है और ये मैंने काफ़ी बार पहना हुआ है, इसको मैंने 2-3 बार तो एयरपोर्ट भी पहन लिया हुआ है, तो ये है बट ये काफ़ी अच्छा है, कुछ भी कपड़ा वगैरह कुछ ख़राब नहीं हुआ। और इसको मैंने मंगाया था वेबसाइट से, तब यहाँ पे हमारे यहाँ पे H&M के स्टोर्स नहीं थे, अभी तो स्टोर्स खुले हुए हैं। तो मेरा वन ऑफ फेवरेट जीन्स है, ये है फ्लेयर जीन्स, पता ही होगा आपको। और इसको मैंने वीडियो में पेयर किया हुआ है विथ बॉडी सूट के साथ में, तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा लुक देता है। और इसमें मेरा साइज़ है 28 और ब्रांड और प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इसको भी मुझे लिए हुए 6 से 7 महीने हो गए हैं। हाँ, इसको मैंने पहना सिर्फ 2 से 3 बार ही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और ये मैंने ली है अमेजोन से। सो यस, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आइटम भी जीन्स ये हमारा और ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बूट कट जीन्स। हाँ, इसको बोलते हैं बूट कट जीन्स, ये नीचे थोड़ा सा फ्लेयर होता है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसको मैंने ली हुई है H&M से, ये मैंने H&M से परचेस करी हुई है और ये हाई वेस्ट है और ये हाई वेस्ट जीन्स है, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने इसको भी पहना हुआ जैसे वीडियो में। तो क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज काफ़ी अच्छी है, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छा है ये। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, राधे राधे।